और ये थोड़ा मोटे अक्षरों में रहेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि ढूंढने में 5 मिनट लगा देते हैं लोग, तो एक्सपेरिमेंट से ज्यादा टाइम ढूंढने में नहीं जाता। ठीक है, मैम पर हमें देखिए, मैम अभी मैम एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है, ओके। तो अब मैं आपको मॉडल पेस्टल दूंगा, मॉडल पेस्टल के बाद आपको लीफ सैंपल्स मिलेंगे, लीफ सैंपल की आप ग्राइंडिंग करेंगे। तो ग्राइंडिंग के प्रोसीजर्स मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दूं, क्यों मैं आपका टेस्ट लूं। इसमें कुछ व्हाइट व्हाइट सा है, इसको आप क्लीन कर देंगे, उसके बाद इसको यूज करेंगे। ठीक है, ग्राइंडिंग के दो प्रोसीजर है ऑलमोस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। पहले लोग हैमर का यूज करते हैं, ठीक है, हैमर अगर उनको हैमर से लोग दो तो फिर वो वेलकम प्रोडक्शन करते हैं, साउंड जनरेट करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें नहीं करनी, ना तो हैमरिंग करनी है और ना ही ये टन-टन की आवाज़ करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको अवॉइड करना है। लो टेम्परेचर मेंटेन, अगर हम अपनी लैब में होते हम इन वाटर पेस्टल को एल्यूमिनियम फॉयल रैप करके फ्रीजर में डालते, ठीक है, थोड़ा चिल्ड हो जाती, लो टेम्परेचर पे इस सेल की ग्राइंडिंग बेटर होती। 37 डिग्री जैसे ही अचीव होगा, जैसे आप कहीं भी हैमर मारते हैं बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है, वहाँ 37 का 55 भी हो जाएगा, कभी भी हम जल जाते हैं टच करने को, तो 37 का टेम्परेचर इंजन के लिए सुटेबल होता है। और जब हम हैमरिंग करते हैं तो कोई ना कोई सर तो उठती, ऐसा नहीं सारी सर अंडे की जैसे इसको बंद रखते हैं उसमें कुछ टूटती है, उनका DNA डैमेज होने का पक्का चांस, ठीक, प्लस वो एंजाइम एक्टिवेशन में आ गया तो फिर वो डैमेज करेगा। साइंटिस्ट इसका दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। देखा आप लोगों ने लिक्विड नाइट्रोजन, फिर तो आपको पता होगा लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में कितनी चिल्ड होती है वो, उसमें सैंपल की ग्राइंडिंग होती है टू मेंटेन लो टेम्परेचर एंड फाइन ग्राइंडिंग। तो हमें फाइन ग्राइंडिंग मेंटेन करनी है और लो टेम्परेचर, ठीक है। तो मोटर पेस्टल आप लोग ले लीजिए, दो तीन लोगों में एक मोटर पेस्टल ठीक रहेगी।